टेमा प्रथम मंजनपुर कौसाम्बी से आया हूँ। बच्चों आज मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आप देखिए, एक मैं चित्र लाया हूँ, देखिए ये पोस्टर बना हुआ है, बैठ लिए हुए हैं। ये हमारे देश भारत के सबसे सफल भारतीय क्रिकेट कप्तान रहे हैं, इनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। तो आज हम धोनी की कहानी के बारे में जानेंगे। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को झारखंड के में हुआ था और धोनी के पिता का नाम पान सिंह और इनकी माता का नाम देविका देवी था। धोनी के बचपन का शौक था फुटबॉल खेलना, लेकिन धोनी अपने गुरु की बात मानकर बनर्जी सर ने धोनी से कहा, धोनी फुटबॉल नहीं, तुम विकेट कीपिंग सीखो, विकेट कीपर बनो। धोनी ने अपने गुरु की बात मान लिया। धोनी गुरु की बात मानकर विकेट कीपिंग का प्रैक्टिस करने लगे। लगातार प्रैक्टिस करने के कारण इनका चयन जो है अंडर 19 में हो गया। अंडर 19 में जब इनका चयन हुआ, उन्होंने 5 मैचों में 176 रन मार दिया, बैट से 176 रन बना दिया। इतना होने के बावजूद भी धोनी का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम में चयन नहीं हुआ। धोनी निराश नहीं हुए, बिल्कुल निराश नहीं हुए, वे लगातार अपने प्रैक्टिस को जारी रखते रहे। और इसी बीच इन्होंने रेलवे में एक नौकरी कर ली, टीसी की नौकरी, खड़गपुर रेलवे में इन्होंने टीसी की नौकरी कर ली। दिन रात वो टीसी की नौकरी करते थे, साथ में क्रिकेट की प्रैक्टिस भी करते थे, ऐसे बल्ला लिए रहते थे, बल्ले से मारते थे, छक्का चौका मारते रहते थे। ये सब से धोनी बहुत अच्छे बैट्समैन थे और एक अच्छे कप्तान भी थे। महेंद्र सिंह धोनी एकदम फ्री हिट मारते थे। महेंद्र सिंह धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट बहुत ही प्रसिद्ध है और ये अच्छे विकेट कीपर भी थे। धोनी का चयन इनके कठिन मेहनत के कारण भारत ए टीम में हुआ और सबसे बड़ी बात रही, धोनी अपने प्रथम वनडे मैच में 0 पर आउट हो गए। 0 पर आउट होने के बाद भी धोनी निराश नहीं है, धोनी अपने कार्य में लगे रहे। और धोनी ने अगला मैच पाकिस्तान के खिलाफ था, धोनी ने पाकिस्तान के खिलाफ 123 गेंदों में 148 रन मार के नया इतिहास रच दिया। धोनी बहुत ही सफल कप्तान थे। धोनी ने अपनी टीम को 2 भागों में बांट दिया। एक टीम ऐसी थी जिसमें खिलाड़ी अच्छा नहीं खेलते थे, उसको दूसरी टीम में रखा और दूसरी टीम बनाया जिसमें खिलाड़ी अच्छा खेलते थे और वो अपनी टीम बनाया। इससे क्या हुआ, नए नए खिलाड़ियों का चयन हुआ, अच्छे खिलाड़ी आए और धोनी को फायदा हुआ, देश को फायदा हुआ। धोनी ने अपनी कप्तानी में बहुत सारे मैचों को जीते, उनमें 2020 विश्व कप और 2011 विश्व कप चैंपियन ट्रॉफी को भी जीता। इस तरह से धोनी ने काफी मेहनत किया, आगे बढ़े। और धोनी ये 2011 का जब विश्व कप हो रहा था तो भारत खेल रहा था, भारत के शुरुआती बल्लेबाज बहुत कम रन बनाकर ही आउट हो गए। पूरा देश निराशा में था कि भारत हार जाएगा, लेकिन धोनी आए। धोनी आते ही क्रीज पर डट गए, उन्होंने 36 चौपुंद बरसात कर दी, बारिश कर दी, झड़ी लगा दी और भारत का स्कोर बड़े तेजी से बढ़ने लगा। और अब जीत के लिए 11 गेंदों पर 4 रनों की जरूरत थी। धोनी अपने हेलीकॉप्टर शॉट के लिए जाने जाते थे, धोनी ने अपना जोरदार हेलीकॉप्टर शॉट मारा और 6 रन की बाउंड्री पार हो गई है। और इस तरह से भारत ने श्रीलंका से मैच जीत लिया। 28 सालों के बाद दोबारा भारत विश्व चैंपियन बन गया, क्रिकेट का विश्व कप जीत लिया। मैदान के चारों तरफ धोनी की आवाजें गूंजने लगी। इस तरह धोनी ने एक छोटे से शहर से निकलकर अपने खेल से अपनी पहचान बना ली, पूरे भारत में, पूरे विश्व में सबके दिलों में छा गए। बच्चों हमें धोनी की तरह मेहनती होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए और अपने खेल से अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। खेल खेलो ऐसा कि आपकी पहचान बन जाए। बच्चों ये कहानी थी आपके लिए। आपसे पूछना चाहेंगे, धोनी कौन सा खेल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे कि हॉकी?